हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड आज हम लोग का टॉपिक है प्राइड एंड प्रोडाइज का कैरेक्टर प्राइड एंड पेरोडाइज़ को जैन स्टैन के द्वारा लिखा गया था और ये प्राइड एंड पेरोडाइज़ को पब्लिश किया गया था ट्वेंटी एट जनवरी 1830 थर्टी ईस्वी में इसको पब्लिश किया गया था तो हम लोग कैरेक्टर के बारे में देखेंगे इसमें कितना कि... कितना कैरेक्टर है फर्स्ट कैरेक्टर है एलिजाबेथन बेनेट ये सेकेंड सिस्टर होती है जो कि गुड स्मार्ट इंटेलिजेंट एंड पीपल आर गुड एंड अंडरस्टैंडिंग होती है यानी कि ये बहुत समझदार होती है इंटेलिजेंट होती है और ये बहुत ही ज़्यादा समझदार होती है सेकेंड कैरेक्टर है मिस्टर फिट विलियम डार्सी ये एलिजाबेथन बेनेट जो है ये प्रोटोगेस्ट यानी कि हीरोइन है नॉवल की और ये फिट विलियम डार्सी ये जो है हीरो है नॉवल का ये दोनों जो है मैन कैरेक्टर है प्राइड एंड प्रोडाइज का उसके बाद है मिस्टर बीनेट एंड मिसेस बीनेट ये जो है एली एलिजाबेथन बीनेट की फादर और मदर होता है ही वाज ए एडुकेटेड पर्सन ये जो है पढ़ा लिखा पर्सन होता है एंड सी वाज नॉट एडुकेटेड बट और उसकी जो मदर होती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती है बट बट सी वॉज़ ए डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्टूमेन पर वो जो उसकी जो मदर होती है वो ना अभी वे मतलब डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्टूमेन होती है सबसे अलग लेडी होती है मिस्टर बीनेट का जो है फाइव डॉटर होती है जिसमें से फर्स्ट का नाम है जेन बेनेट सेकेंड है एलिजाबेथ बेनेट थर्ड है मैरी बेनेट फोर्थ है किटी बेनेट और फाइव है लाडिया बेनेट जैन बेनेट जो होती है सीई जे ब्यूटीफुल ये बहुत ही सुंदर लड़की होती है सेकेंड है एलिजाबेथन बेनेट जो कि प्रोटो सीई जे इन नॉवल ये जो है नॉवल की प्रोटोगेनिस्ट है मैरी बेनेट सी एज रीड बुक एंड लेक्चरल ऑफ़ मोरालिटी ये जो मैरी बेनेट ये एलिजाबेथन की जो थर्ड सिस्टर है ये बुक की बुक पढ़ने की शौकीन होती है लेक्चरल होती है और मोरालिटी पर लेक्चरल देती है नैतिकता पे ये भाषण देती है किटी बेनेट ये इज है सिंपल गर्ल ये बहुत ही सिंपल गर्ल यानी कि साधारण लड़की होती है लानिया बीनेट मदर इज स्वीट एंड इस्पॉय मदर लवली डॉटर लाडिया बेनेट जो है इसका भी काफ़ी अच्छा रोल है नॉवल में जो कि अपनी मम्मी की लाडली होती है और ये जो है इस ये जो कि अपनी मम्मी की लाडली होती है और लास्ट में देखेंगे कि इसका क्या रोल है इस नॉवल में अदर फैमिली इसमें ये जो है मिस्टर बेनेट का फैमिली था अब हम लोग अदर फैमिली देखेंगे जिसमें से चार्सले बिंगले हैं सी ही इज वेरी रिच मैनी चांसले बिंगले जो होता है ये बहुत ही अमीर आदमी होता है उसके बाद बिंगले हैज टू सिस्टर बिंगले का बिंगले का जो है इसकी दो सिस्टर होती है वन सिस्टर दो सिस्टर होती है फर्स्ट सिस्टर मैरिज केरोसिन फर्स्ट सिस्टर जो होती है मैरिज होती है और उसके बाद सेकेंड सिस्टर जो होती है वो अनमेरिज होती है और सेकेंड सिस्टर का नाम होता है लुवियोसा होता है फिट विलियम डार्सी जो कि नोबल का हीरो होता है बिंगले फ्रेंड इज डार्सी यानी कि डार्सी का जो है फ्रेंड होता है आ, ये बिंगले मिस्टर कॉलिन कजिन एंड एलिजाबेथन लाइक यानी कि मिस्टर कॉलिन जो होता है या कजन कजिन होता है और एलिजाबेथन को जो है ना लाइक करता है लेडी कैथरीन कॉलिन लाइक इन कैथरीन हाउस लेडी कैथरीन जो होती है कॉलिन कॉलिन लाइफ इन कैथरीन हाउस यानी कि कैथरीन हाउस पे वो रहता है मिस्टर कॉलिन उसके बाद है विलियम विलन कैरेक्टर इसमें विलन कैरेक्टर का भी रोल है uh, जॉर्जियो विकेम जॉर्जियो विकेम ये विलन है देयर देयर इज एन ऑफिसर इन लोकल मिलिट्री एट द बिगनिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ऑफ द स्टोरी इज वन ऑफ़ जेंटलमैन टाइप देन इट्स सेम टू शो इट्स विलन ये जो है ऑफिसर होता है लोकल लोकल मिलिट्री का और इसका मतलब स्टोरी इस के स्टार्टिंग में तो ये जेंटलमैन टाइप का होता है मतलब कि एक अच्छा आदमी होता है पर जब जब ये स्टोरी एंड होने लगता है लास्ट में लास्ट से कुछ पहले तो शो होने लगता है ये विलन का विलन का रोल शो करने लगता है उसके बाद है मिस्टर मिस्टर गार्डियन एंड मिसेस गार्डियन एलिजाबेथ एंड अंकल अंटी ये जो है मिस्टर गार्डियन एंड मिसेस गार्डियन गार्डिनर ये जो होता है एलिजाबेथ का अंकल और अंटी होता है वन यानी कि डार्सी की जो सिस्टर थी जो जो डार्सी की जो सिस्टर थी जो अनमेरिज होती है वो जो है जॉर्जियन डार्सी लाइफ इन लंदन यानी कि वो जो है ना लंदन चले जाती है रहने के लिए जो कि जॉर्जियन डार्सी की सिस्टर होती है उसके बाद एलिजाबेथन फ्रेंड यानी कि उस इसमें एलिजाबेथन के फ्रेंड का भी कुछ रोल है जिसमें से जिसका नाम है चार्लोट लूसिकस चार्लोट लूसिकस है तो प्राइड एंड प्रियोडाइज में इतना ही टोटल करैक्टर है उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया हो अगर कुछ डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेंशन करें थैंक यू